हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय ए सटन, बी बोवरी, सी मॉर्गन एंड डी मेंडल। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो बात करती है फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी के बारे में, कि हमें ये पता है कि कुछ ट्रेट्स जेनेटिकली पास डाउन होती हैं, तो उनका फिजिकल बेसिस क्या है, राइट? तो दिस थ्योरी इन शॉर्ट टॉक्स अबाउट फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड इट टॉक्स अबाउट कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल को फिजिकली कौन कैरी करता है, कौन करता है? क्रोमोसोम्स करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया एंड एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया। सो दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय सटन एंड बोवरी। सटन एंड बोवरी ने इंडिपेंडेंटली ये थ्योरी प्रपोज करी थी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दिस थ्योरी, दैट मींस इस थ्योरी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए थे वो थॉमस हंट मॉर्गन ने कंडक्ट किए थे। हम ये देखते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे कंडक्ट किए थे। ही कंडक्टेड अलॉन्ग विद हिज कलीग्स, ऑब्वियसली ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज के ऊपर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, एंड उन फ्रूट फ्लाइज को क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाइज का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। एंड इसको अंडरलाइन करेंगे सिंस दिस इज अ साइंटिफिक नेम। उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट कराए। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब उन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंडक्ट करके हाइब्रिड करवाया। ही कैरीड आउट वेरियस डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, एंड उन्होंने स्पेसिफिकली वो जीन्स इन्वॉल्व करे जो सेक्स लिंक्ड थे, दैट वर सेक्स लिंक्ड। वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे, उन्होंने वो वाले जीन्स को पिक किया। एंड उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? ही ऑब्जर्व्ड, जैसे मेंडल में क्या हुआ था कि सारी ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुई थी, राइट? सारे गेमीट्स, सारे एलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए थे, सेग्रीगेट हुए थे। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में थॉमस हंट मॉर्गन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो दो जीन्स उन्होंने पिक किए थे, द टू जीन्स अंडर कंसिडरेशन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। वो सेग्रीगेट ही नहीं हुए जैसा कि मेंडल के लॉस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, राइट? एज दे डिड इन द केस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ एक कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट, यहां पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि जितनी ज्यादा दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे। अगर जीन्स पास पास होंगे तो उनमें लिंकेज होगा एंड उतने ही कम रिकॉम्बिनेशंस फॉर्म होंगे। सो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक दैट वी डोंट नीड टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें, सो वी नो द आंसर। द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वॉज डन बाय मॉर्गन एंड सटन एंड बोवरी ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, एंड मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दी थी आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।